हाय एवरीवन, मैं आज आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हूँ एक छोटी सी रेसिपी लेके, जिसको हम कहते हैं खट्टी हरी मिर्चें। सही है, ये चने की दाल गोश्त पक रहा है, छोटी मोटी दाल वगैरह बनाते हैं उसमें भी झटपट बना सकते हैं आप, उसको वैसे भी खा सकते हैं। सही है, ये देखें मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ। ये हमने पहले 1 टीस्पून एक जीरा ले लिया है। सही है, अभी थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, थोड़ा सा हमने तेल ले लिया था, उसमें हमने 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया। अभी हरी मिर्च मैंने धोकर काट के रख ली है, हमने इसमें डाल दिया। चलिए, ये देखें, आपकी मर्जी, आप जितना बनाना चाहें बना सकती हैं, रेसिपी यही होगी। तो मैं तो तकरीबन एक और मिर्च ले ली थी ना, बड़ी वाली, तो उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे, लेकिन हमें इतना पकाना थोड़ी इनको, बस हल्का सा हमने इसको भूनना है, हल्का सा बस, जिससे ये खड़ी खड़ी सी ही रहती है। ठीक है, अब ये हल्की इसकी हो गई हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बाकी चीज़ें डालना बता रही हूँ, इसमें क्या क्या डालना है। 1 टेबल स्पून हमें नमक डालना है। चलिए, 1/2 टेबल स्पून हमने इस पर हल्दी ले ली है। चलिए, और ये देखिए, ये है खटाई, यानी कि जो कैरी होती है उसको सुखा के जो पीस लेते हैं ना, ये वो खटाई है। चलिए, ये मैंने 5 टेबल स्पून ले ली है मैंने ये। अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आप और खट्टी ले सकते हैं। चाहिए, उसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब इसमें हम डालेंगे, अच्छा खटाई का तो ये है, हर जो है वहाँ से इसको आपको मिल जाएगी, ये जहाँ से आप अपना मतलब जाके सामान वगैरह खरीदते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी खटाई। तो ये जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 लेमन। चाहिए, सही। अब इसमें मैंने एक लेमन ले लिया है, उसमें मैं, ये बड़ा लेमन है। सही है, ये हम डाल रहे हैं इसमें, एक डाल रहे हैं। आप जितनी बनाना चाह रही हैं उसके मुताबिक आप जो है डाल सकते हैं, 2 डाल दें, 1 डाल दें, आप कितनी बना रही हैं हरी मिर्चा खट्टी उसके मुताबिक आपको डालना है। सही है, बस मिक्स कर देंगे। अच्छा, ऑयल का तो ये है कि अगर आप जो भी ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं, डालडा है, सरसों है, सही है ना, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो गई है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो ये हमारी हरी मिर्चें खट्टी खटाई वाली तैयार है। चलिए, ये देखिए हमारी जो है खट्टी मिर्चें तैयार हो गई हैं। आप ये देखिए, बिल्कुल गली नहीं है, खड़ी खड़ी हैं, और खाने में मतलब वो आपको क्रिस्पी सी लगेंगे, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब आप इनको किसके साथ खा सकते हैं, देसी रोटी के साथ, मेथी के पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, कढ़ी वगैरह हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े के लगते हैं, झटपट बन जाती हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। चले, आप ये देखिए, आप हरी मिर्चें ज़रूर आप बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत जल्दी बन जाती है, देसी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, कढ़ी वगैरह है, चने की दाल गोश है, जैसे मैंने आज चने की दाल गोश बनाया तो ये मैंने फिर मिर्चें बनाई, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।